अजीब तरह की बददुआई हुई कौमें हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो कह रहे कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, और तुमसे ना हिंदुस्तान संभाला जा रहा है ना तुमसे पाकिस्तान संभाला जा रहा है। हम तो कराची संभाला नहीं जा रहा, बलोचिस्तान संभाला नहीं जा रहा, पंजाब संभाला नहीं जा रहा, एक अजीब अफरा तफरी काल में सूबे बन जाओ, वो इधर घुस रहा है को उधर भाग रहा है, कश्मीर लेके तुमसे करना क्या है? हम तो शारक कहते हैं। कश्मीर कश्मीरियों का, वो उनको शौक है किसी को तो लड़े मरे ज्वाइन कर लें फिर कोई कुर्बानी दें, जिसको अगर कोई शौक है उनको जिसका हिस्सा बनने का बन जाए, अदरवाइज कश्मीर देखो बात सुनो, ये यूए सारी छोटी छोटी रियासतें पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं बन जाती? बांग्लादेश क्यों टूट गया, क्यों अलहदा हो गया? अफगानिस्तान है, मुसलमान है ना, मर्जर क्यों नहीं हो जाता? कैसे फजूल बातें करते हो सोचते हो आप? कश्मीर कश्मीरों का, दे वर डिफरेंट कल्चर, उनकी एक अपना उनका टेरेन अपना, उनकी एक अपनी दुनिया है, वो जियो जीने दो। सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने कोई जलील रहने की, कोई रुसवाई की, जिल्लत की, भूख की, नंग की कसम खाई हुई है, हमारे बच्चों के सरों के ऊपर ही वो लटकता रहे एटम बॉम्ब। लेकिन बदनसीबी है कि हमारी हमारी क्यादतों के पास ना ना जर्फ है, ना विजन है, ना दर्द दिल है। सौ सौ साल जंगें लड़ने वाला यूरोप किस तरह इस फेस से निकल के अगली फेज की, मैं टाइम या न्यूज वीक में रिसेंटली अभी कोई टाइटल स्टोरी है, अगली फेज में जाने के लिए क्या डेस्परेटली हाथ पांव मार रहे हैं, यहां इस तरह का मतलब है। और ये हमारी ये शारक है, मैं हैरान हूं कैसी शारक है जिसके बगैर 65 साल गुजार लिए, शारक के बगैर तो एक पल नहीं गुजरता।